यूरोप, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां भरपूर पानी है, रिवर्स, लेक्स और ओशंस यहां की लाइफलाइन है, जो लैंडस्केप को बनाती हैं, क्लाइमेट तय करती हैं और करोड़ों क्रीचर्स और प्लांट्स को घर और खाना देती हैं। एनिमल्स उन्हीं के भरोसे सर्वाइव करते हैं। बड़े से बड़े वेटलैंड्स से लेकर छोटी से छोटी ट्रिब्यूटरी तक हर एक अपना पार्ट प्ले करता है ताकि वर्ल्ड के अब तक के कुछ सबसे शानदार क्रीचर्स को सस्टेन कर सकें। यूरोप की नदियां और स्ट्रीम्स कॉन्टिनेंट के 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई हैं। यह एरिया ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है और फिर वो समुद्र में जा मिलती हैं, जहां यूरोप की इन नदियों और लेक्स का सफर खत्म हो जाता है। इसके वेस्टर्न एज पर विशाल नॉर्थ अटलांटिक ओशन यूरोप के क्लाइमेट पर असर डालता है, जिससे बारिश होती है जो लाखों नदियों और स्ट्रीम्स को जीवन देती है, जो इस शानदार कॉन्टिनेंट के कई सीवर्ड एजेस से होकर गुजरती हैं, जिनमें एनिमल्स और इंसेक्ट्स की 10,000 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। इन्हीं वॉटरवेज में रहते हैं बेहतरीन एनिमल्स। पानी के सोर्स से लेकर समुद्र तक का सफर तय करके यूरोप के सबसे शानदार क्रीचर्स के यहां खुशहाल रहने की वजह का पता चलता है। पिछले 4 महीनों से यूरोप की कई नदियों और लेक्स ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ी हुई थी और बारिश भी बर्फ बनकर पड़ रही थी। पर आखिरकार स्प्रिंग आ ही गई और करोड़ों लीटर जमे हुए पानी ने पिघलकर समुद्र तक जाने का अपना सफर शुरू कर दिया। वाइल्ड लाइफ के लिए मौसम का यह बदलाव राहत लेकर आया है। खासकर उस क्रीचर के लिए जो अभी हाइबरनेशन से बाहर आया है। यूरोप के ज्यादातर नदियों और लेक्स में मिलने वाली ये दुनिया की अकेली ऐसी स्पाइडर है जो पानी के नीचे रहती है, जो एक तरह से लॉज ऑफ नेचर को छुटलाती हुई लगती है। लेकिन इस डाइविंग बेल स्पाइडर को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। रोशनी की चमक ने स्पाइडर की यूनिक टेक्निक को नाकाम कर दिया। इसके लेग्स और एब्डोमेन पर मौजूद छोटे छोटे बाल एयर की एक लेयर ट्रैप कर लेते हैं, जिससे यह सरफेस से ऑक्सीजन ले पाती है। कई अरैक्निड्स की तरह ये डाइविंग बेल स्पाइडर भी अपने पेट से सांस लेती है, इसलिए एयर सही जगह पर होने से यह स्पाइडर सांस लेती रहती है। इसने अपने वेब को भी नए ढंग से बनाया है। यह सिल्क बलून की तरह काम करता है, जिसमें एयर बबल ट्रैप हो जाता है और स्पाइडर यहां सरफेस से लाकर बहुत सी चीजें स्टोर कर लेती है और एक अंडर वाटर एयर चेंबर बन जाता है। स्पाइडर इस बबल में सारा दिन रह सकती है। उसे सांस लेने के लिए सरफेस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने अंडे भी यहीं देगी। यहां इसे शिकारियों का कोई खतरा नहीं। इस बबल की सबसे शानदार बात है
कि ये फिश के गिल की तरह काम करता है। ये बबल पानी में से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है और स्पाइडर की एक्सहेल की गई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। चेंबर की ट्रैप्ड एयर में जितनी ऑक्सीजन है उससे ज्यादा ऑक्सीजन बाहर के पानी में है, इसलिए गैस बबल्स में से डिफ्यूज हो जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज हो जाती है और अंदर की एयर फ्रेश रहती है। यह अंडरवाटर होम सिर्फ सेफ्टी के लिए ही नहीं है, बल्कि यहां से यह स्पाइडर शिकार भी करती है। बहुत से एनिमल्स और इंसेक्ट्स की इन्फेंसी इसी पानी में गुजरती है। इस डैम्सल फ्लाई लार्वे को अंदाजा नहीं कि वो खतरे में है। अंडे से निकलने के बाद लार्वे कई साल पानी के अंदर बिताते हैं, जहां वो पेट पर बने गिल्स से सांस लेते हैं और फिर एडल्ट इंसेक्ट बनकर सरफेस पर जाते हैं। पर सारे लार्वे बाहरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाते। स्पाइडर की इस तरह पानी के नीचे रहने की खूबी उसके लिए शिकार के नए रास्ते खोल देती है, और इस डैम्सल फ्लाई लार्वे के लिए ये स्पाइडर वही खतरा लेकर आई है। इसके शार्प जहरीले फैंग्स के सामने डैम्सल फ्लाई लार्वे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। सरफेस के नीचे रहने वाले हर क्रीचर के लिए यह ऑक्सीजन से भरपूर पानी बहुत जरूरी है, पर उनके सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं। यूरोप के फ्रेश वाटर रिवर्स में रहता है एक शानदार शिकारी। पानी में हुई एक हलचल से इसका पता चल जाता है। यूरोपियन रिवर ऑटर 13 ऑटर स्पीशीज में से एक है। ये सब वीजल फैमिली के मेंबर्स हैं। 12 किलो तक के ये मैमल्स साइज में डोमेस्टिक कैट से दुगने होते हैं। पानी में रहने के लिए खास तौर से अडैप्ट किए गए वेब फीट इन्हें तेजी से तैरने में मदद करते हैं। इनके छोटे डेंस फर शरीर के पास एयर को ट्रैप करके इन्हें गर्म रखते हैं। पानी के अंदर ये करीब 4 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। सर्दियों में फिशिंग नहीं हो पाती, पर अब स्प्रिंग में यह पैर इस गर्म मौसम का पूरा मजा उठाना चाहता है। पर खाना तलाशना किसी चैलेंज से कम नहीं। ऑटर पानी के नीचे अच्छे से नहीं देख पाते, इसलिए ये अपने सेंसिटिव विस्कर्स की मदद से करीब से गुजरने वाली फिश की वाइब्रेशंस महसूस कर लेते हैं। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि ऑटर्स पानी के नीचे सूंघने के लिए अपने शिकार की तरफ एक छोटा बबल छोड़ते हैं और उसे दोबारा अंदर खींच लेते हैं। ऐसा कर पाने वाले बस दो ही क्रीचर्स हैं, एक ऑटर्स और दूसरे जमीन पर रहने वाले मोल। ये शिकार के मामले में बहुत तेज होते हैं, और ये फिश कितनी भी फास्ट हो इस शिकारी की स्पीड के आगे कुछ नहीं।
इनके शार्प टीथ फौरन उसे चट कर जाते हैं। ऑटर्स को अपने फास्ट मेटाबॉलिज्म की भरपाई के लिए हर दिन अपने बॉडी वेट का 15% फूड खाना पड़ता है, पर इतना सारा खाना खाने के बाद इन्हें थोड़ी मेहनत अपना डे बेड बनाने में करनी पड़ती है। इतनी फिश डाइजेस्ट करने में इन्हें बस 1 घंटा लगता है। एक छोटी सी नैप इस प्रोसेस को और आसान बना देती है। खाने का स्टोरेज होने के साथ साथ यूरोप की ये स्लो रिवर्स और स्ट्रीम्स बड़े क्रीचर्स के लिए बच्चे देने की जगह भी हैं। स्वान की 3 स्पीशीज में से एक म्यूट स्वान्स भी यहां यूरोप में पाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न हिस्से पर रहते हैं, पर स्प्रिंग के दौरान इनमें से 20% ब्रीडिंग के लिए यूके आ जाते हैं। ये यूरोप की पानी में रहने वाली सबसे बड़ी बर्ड्स हैं। उड़ना इनके लिए बड़ी मेहनत का काम है। 15 किलो से भी ज्यादा भारी इन बर्ड्स का वेट 3 साल के बच्चे जितना होता है। पर इनका 2.5 मीटर चौड़ा विंग स्पैन इन्हें हवा में स्मूथली उड़ने में मदद करता है। बाकी स्वान से अलग ये उड़ते वक्त आवाज नहीं करते, इसीलिए इन्हें म्यूट स्वान्स कहा जाता है। इस फीमेल स्वान के साथ ये हैं इसके 5 बेबी सिग्नेट्स। ये बस 1 हफ्ते के हैं और 5 हफ्तों तक अपनी मां के साथ ही रहेंगे। इनके फादर भी इनसे ज्यादा दूर नहीं हैं। शुरुआती हफ्तों में दोनों पेरेंट्स इनकी रखवाली में जी जान लगा देते हैं और किसी को इनके करीब नहीं आने देते। इन सिग्नेट्स को अभी बहुत कुछ सीखना है और इनकी मां एक बहुत अच्छी टीचर है। वो अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स से पानी में खुदाई कर रही है ताकि नीचे की वेजिटेशन ऊपर आ जाए और सिग्नेट्स आसानी से उस तक पहुंच सके। और ये सब देखकर ही बच्चे सीखते हैं। एल्गे और बाकी एक्वेटिक प्लांट्स उनकी डाइट का एक जरूरी हिस्सा रहेंगे और बड़े होने पर उन्हें हर दिन करीब 3 किलो वेजिटेशन खानी होगी। ये वेजिटेशन प्रोटीन और आयरन से भरी होती हैं। करीब आधा ब्रीडिंग सीजन निकल चुका है, पर कुछ स्वान्स के लिए ये बस पेरेंटहुड की तरफ बढ़ने की शुरुआत है। साथी चुनने का ये रिचुअल बहुत पर्सनल होता है। ये एक दूसरे के मूवमेंट की नकल करते हैं जो इनके डिवोशन की निशानी है। अगर इन्हें एक दूसरे का साथ पसंद आया तो ये बाकी जिंदगी साथ ही गुजारेंगे।
पर इस कॉन्टिनेंट की सभी नदियां इतनी शांत नहीं हैं। यूरोप का लैंड मास भले ही वर्ल्ड का सिर्फ 7% हो, पर यहां वर्ल्ड का करीब 15% फ्रेश वाटर है। यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में से एक 10 कंट्रीज से गुजरने के बाद समुद्र में मिलती है। डैन्यूब नदी, जो करीब 3000 किलोमीटर लंबी है, ईस्ट में जर्मनी से होते हुए वेस्ट में रोमानिया की कोस्टलाइन तक पहुंचकर ब्लैक सी में जाकर मिलती है। ये कॉन्टिनेंट के करीब 10% एरिया पर अपना कब्जा बनाए हुए है। 27 छोटी नदियां, 300 से भी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज और कई लेक्स इसका हिस्सा हैं। इन वाटरवेज में पूरे यूरोप से जमा किए हुए सेडिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी को सभी जरूरी इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, जो इसे वर्ल्ड की सबसे न्यूट्रिएंट रिच वाइल्डलाइफ में से एक बनाता है। हर साल यहाँ के स्लो मूविंग वाटर्स में नेचर के सबसे शानदार नजारों में से एक देखने को मिलता है। वर्ल्ड के सबसे प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में से एक है मेफ्लाई। ये 300 मिलियन ईयर्स में भी ज्यादा नहीं बदली है। ये इंसेक्ट्स लार्वे के रूप में 3 साल पानी के नीचे गुजारते हैं और विंग्स निकलने के बाद ही बाहर आते हैं। बाहर आने पर विंग्स वाली जिंदगी का इन्हें सिर्फ एक ही दिन मिलता है। उन 24 घंटों में मरने से पहले पार्टनर ढूंढकर रिप्रोड्यूस करना होता है। कोई नहीं जानता कि ये सारे एक साथ एक ही वक्त पर कैसे निकल आते हैं, पर लगभग सभी एक शाम को एक साथ निकलते हैं ताकि शिकारियों को चौंका सकें और ज्यादा से ज्यादा मेफ्लाई बच सकें। पर उस वक्त की कंडीशंस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और डस्क की गोल्डन लाइट उसका सिग्नल देती हैं। ये हवा में छा जाते हैं। मेफ्लाई झुंड में अपना कोर्टशिप डांस करती हैं। फीमेल्स के इस झुंड में आते ही मेटिंग हवा में ही शुरू हो जाती है। ये करीब 3000 अंडे देती हैं, जो पानी के सरफेस पर बिखर जाते हैं। अंडे पानी में डूबकर 45 डेज बाद हैच होंगे और ये साइकिल फिर शुरू हो जाएगी। पर इंसेक्ट्स के झुंड को देखकर शिकारी आ गए। उन्होंने मेफ्लाइज को हर तरफ से घेर लिया है। ऊपर से सैंड मार्टिन्स हर डाइव के साथ इन इंसेक्ट्स को अपना निशाना बना रहे हैं। और नीचे से खुले मुंह के साथ फिश झुंड पर हमला बोल रही हैं। यूरोप में पार्टनर चुनने का यह सबसे शानदार नजारा यहां की सबसे बड़ी फीस्ट्स में से भी एक है। Thank you.
मेफ्लाइज के लिए भले ही ये उनकी जिंदगी के कुछ आखिरी पल हों, पर उनके दिए करोड़ों अंडे जो अब पानी में बह रहे हैं उनमें से साल दर साल मेफ्लाइज फिर से एक साथ निकलती रहेंगी और इस नदी में रहने वाले सबसे बड़े क्रीचर्स को सपोर्ट करने वाली फूड चेन को चलाती रहेंगी। आगे जाकर रोमानिया और यूक्रेन के जंक्शन पर डेन्यूब की स्पीड कम हो जाती है और वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स के इलाके में फैल जाती है, जिससे बनता है यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड। ये है डेन्यूब डेल्टा। ये बायोडायवर्सिटी का जीता जागता एग्जाम्पल है। इससे बेहतर सिर्फ गैलापागोस आइलैंड्स और द ग्रेट बैरियर रीफ में है। 6,500 ईयर्स से डेन्यूब रिवर ने एक छोटी सी खाड़ी को अपनी पानी से हरा भरा करके यूरोप के सबसे बेहतरीन हैबिटेट्स में से एक बना दिया। डिफरेंट टाइप्स के 30 इकोसिस्टम्स एनिमल्स की 3,500 स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं, जिनमें शामिल है ऑलमोस्ट 40 मैमल्स, 300 से ज्यादा बर्ड्स की और नियरली 2000 प्लांट स्पीशीज। ब्रीडिंग कर रहे एम्फीबियंस की आवाज डेल्टा में स्प्रिंग के आने का इशारा कर देती है। लगभग 17 सेंटीमीटर्स के मार्श फ्रॉग्स यूरोप में पाए जाने वाले सबसे बड़े एम्फीबियंस हैं। लॉन्ग पावरफुल लेग्स और कुछ ज्यादा ही बड़ा सिर इस फ्रॉग को जंप करने की जबरदस्त पावर देता है, जो शिकार करने के लिए परफेक्ट है। ये फ्रॉग फंसी नहीं होते, इनके मुंह में जो जाए वो सब खा लेते हैं। डैम्सल और ड्रैगन फ्लाइज अडल्टहुड का पहला एक्सपीरियंस लेने के लिए पानी से ऊपर आते हैं। लेकिन अफसोस, उनमें से कुछ मार्श फ्रॉक्स का खाना बन जाते हैं। पर पानी में सिर्फ फ्रॉक्स ही शिकारी नहीं है, डेल्टा में कुछ सबसे डेंजरस प्रेडेटर्स होते हैं स्टॉक्स, हेरन्स और ग्रेट व्हाइट ईग्रेट्स। ये बर्ड्स पानी में चलते हुए उन्हें मिले किसी भी छोटे एनिमल का शिकार कर लेती हैं, जिनमें फ्रॉक्स भी शामिल हैं। पतली टांगे और हल्के कदम की वजह से ईग्रेट्स पानी में बिना आवाज किए चल सकते हैं। नैरो विजन होने से वो अपने शिकार पर सटीक निशाना लगा लेते हैं, एक स्नाइपर स्कोप की तरह, एक ही हमले में काम तमाम। मार्श फ्रॉग लकी रहा क्योंकि इस बार एक छोटी मछली की बारी थी। दुनिया के इस हिस्से में एक अनोखा शिकारी भी डेल्टा में पाया जाता है, गोल्डन जैकल। ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन उनसे भी बड़े उनके यूरोपियन कजिन्स ने हाल के डेकेड्स में डेल्टा को अपना ठिकाना बना लिया है। शिकार ढूंढते वक्त गोल्डन जैकल हमेशा एक पार्टनर लेकर निकलता है,
वो अक्सर अपने शिकार को अपने पार्टनर की ओर भगाता है। यहां डेल्टा में जैकल्स ने अपनाया है पानी वाले घर को और वहां मिलने वाले खाने को। कार्प उनका फेवरेट खाना है। ये पानी के बॉटम में खाना ढूंढने वाली फिश एल्गे की बीम्स पर जीती है और इसकी अजीब बात यह है, ये अक्सर इस कम ऑक्सीजन वाले पानी के सरफेस पर आ जाती हैं ब्रीथ करने के लिए। लेकिन ये स्ट्रेटजी कभी कभी उन्हें मुश्किल सिचुएशन में डाल देती है। ज्यादा गर्मी वाले दिन छोटे पॉन्ड्स में दम घुटने से उनकी जान जा सकती है, जब कम गहरा पानी सूख जाता है और ऑक्सीजन के लेवल्स बहुत घट जाते हैं। बर्ड्स इस आसान खाने को सबसे पहले देखती हैं। खाना ढूंढने वाले इस जैकल के लिए ये जैसे प्लेट में सजा खाना है। इस पैर को अपनी एनर्जी बनाए रखनी होगी। आसपास की ऊंची घास में इनके भूखे बच्चे छुपे हुए हैं। पहले 8 हफ्ते ये बच्चे अपनी मां के दूध पर डिपेंड करते हैं और इस दौरान खाना जुटाने का काम ज्यादातर मेल करता है। और खुशकिस्मती से खाने की कोई कमी नहीं। विंटर तक ये बच्चे खुद शिकार करने लायक हो जाएंगे। डेल्टा के एच पर जहां मार्शेस ब्लैक सी से मिलती हैं, डैन्यूब का ताजा पानी खारा हो जाता है। इन ग्रासी लगून्स में डेल्टा के सबसे अजीब रेप्टाइल्स में से एक रहता है। यूरोप में 150 से ज्यादा रेप्टाइल्स रहते हैं, उनमें से लगभग 1/3 स्नेक्स हैं, लेकिन पानी में सिर्फ 4 पाए जाते हैं। ये डाइस स्नेक मछलियों का शिकार करते हैं। यहां पानी अक्सर मर्की होता है, लेकिन सूंघने की अपनी जबरदस्त पार से ये अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। वो बॉटम में घूमती छोटी फिश गोबीज का शिकार करते हैं। ये स्नेक्स पानी के नीचे एक बार में 10 मिनट तक शिकार करते हैं। उनकी नाक में मौजूद एक वाल्व और बेहतरीन ट्विस्टेड गट पानी को अंदर नहीं जाने देता। ये सांस लेने के लिए एक पल के लिए सरफेस पर आते हैं और फिर शिकार में लग जाते हैं। डाइस स्नेक्स को जहरीला नहीं माना गया, लेकिन हाल ही में यह पता चला है कि उनके मुंह की एक ग्लैंड से खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन निकलता है, जिससे उनका शिकार बचता नहीं है। ये स्नेक्स असली शिकारी हैं और लगभग 50 अलग अलग स्पीशीज का शिकार करते हैं, लेकिन गोबी फिश इतनी ज्यादा हैं कि इन्हें हफ्ते में एक ही बार शिकार करने की जरूरत पड़ती है।
डैन्यूब डेल्टा के बहुत सारे इकोसिस्टम्स अलग अलग तरह के क्रीचर्स को सपोर्ट करते हैं। इन वेटलैंड्स को कॉन्टिनेंट के वाटरवेज से पानी मिलने की वजह से ये उन हजारों जानवरों के लिए एक सेफ ठिकाना बना रहेगा जो इसके भरोसे हैं। यूरोप की नदियां समुद्र में मिलने से ढेर सारा रिच सेडिमेंट सी में जमा हो जाता है जो मरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ओशंस थोड़े खतरनाक होते हैं। यूरोप के वेस्टर्न बॉर्डर पर अटलांटिक ओशन की खतरनाक टाइड्स ने इस कॉन्टिनेंट की रगेड आउटलाइन में कुछ छोटे आइलैंड्स बना दिए हैं। हेब्रिडीज स्कॉटलैंड के वेस्ट में 100 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बने हैं। इस आर्किपेलागो की रॉक्स पर करीब 3 बिलियन ईयर्स से नेचर कार्विंग कर रही है। लगभग अर्थ पर लाइफ शुरू होने के वक्त से कई आइस एजेस ने उन्हें बर्फ से ढका है और ग्लेशियर्स ने उन्हें उनका मौजूदा रूप दिया है। इस विशाल अटलांटिक ओशन के किनारे पर वाइल्ड लाइफ कॉन्टिनेंट के कोने कोने से आती है। समुद्र के किनारे रहने वाले एनिमल्स के लिए लाइफ इतनी आसान नहीं है। ऑटम यानी पतझड़ का मौसम है और लो लाइन मोनाक आइलैंड्स पर हजारों ग्रे सील्स पहुंच गई हैं, जो अपनी तरह का एक सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है। ये ब्रीडिंग सीजन है। फीमेल्स समुद्र के किनारे आई हैं ताकि 11 महीनों से अपने वूम में पल रहे बच्चों को जन्म दे सकें और एक बार और मेट कर सकें। उनके पास वक्त बहुत कम है। हालांकि ब्रीडिंग सीजन 8 हफ्ते रहेगा, लेकिन हर फीमेल किनारे पर सिर्फ 20 दिन रह सकती है। लैंड पर सील्स को मजबूरन फास्ट रखना पड़ता है। पूरे साल में सिर्फ इसी वक्त उन्हें ब्रीडिंग का मौका मिलता है और वो एक पल भी वेस्ट नहीं कर सकती, और इसीलिए वो पूरे साल में बनाए फैट स्टोर्स के भरोसे रहती हैं। मेल्स पूरे सीजन में जमे रहने की कोशिश करते हैं। उनके लिए बड़ा एनर्जी रिजर्व और भी ज्यादा जरूरी है। इनमें से कई बुल्स लगभग 250 किलो के होते हैं। इनका साइज और स्टैमिना इनकी मेटिंग की सक्सेस तय करता है। ये किनारा जंग का मैदान बन जाता है जब मेल्स अपनी ब्रीडिंग टेरिटरी और फीमेल्स के झुंड पर हक जताने के लिए लड़ते हैं। ताकतवर बुल मेल्स साल में करीब 10 बच्चे तक पैदा कर सकते हैं। जंग छिड़ गई है। ये मेल्स एक्सपीरियंस्ड हैं। अब तक ये बराबर की टक्कर है। काफी कुछ दांव पर लगा है और लड़ाई में लगभग हमेशा खून बहता है। उनकी गर्दन को खतरा रहता है क्योंकि ओपोनेंट अपने दांतों से उसे जख्मी कर सकता है।
फाइनली एक मेल हार मान लेता है। उसके वूंड्स डीप हैं, लेकिन वो बच गया। कुछ लड़ाइयों में जान भी चली जाती है। जीतने वाले को मेट करने का हक मिल गया। हर फीमेल एक सिंगल बच्चे को जन्म देती है, जिसको वो अकेले पालती है। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये फीमेल अपने बच्चे को उसकी स्मेल और आवाज से पहचान सकती है। माँ का दूध बहुत रिच होता है और उसमें 60% फैट होता है। इस बच्चे का वजन हर दिन लगभग 2 किलो बढ़ेगा, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्तों में उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसकी माँ को शिकार के लिए समुद्र में वापस जाना होगा। किनारे पर माँ का वजन लगभग 70 किलो कम हुआ होगा। कुछ माएं पहले ही समुद्र में लौट गई हैं। केल्प के ये जंगल पानी में बसी एक जादुई दुनिया है। ये दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स में से एक हैं, जो समुद्र के स्ट्रॉन्ग करंट से बचाव करते हैं और सैकड़ों एक्वेटिक हर्बीवोर्स को खाना और बदले में फिश लविंग मैमल्स भी देते हैं। ये उन बैरन लैंड से एकदम ऑपोजिट है जो फीमेल्स पीछे छोड़ आई हैं। पूरे यूरोप में सैकड़ों आइसोलेटेड आइलैंड्स कॉन्टिनेंट की फ्रंट लाइन पर समुद्र और मौसमों को झेलते हुए खड़े हैं। हेब्रिडीज से आगे साउथ में, समुद्र में थोड़ा और अंदर 9 वोल्केनिक आइलैंड्स सबसे पहले इन मौसम के बदलाव का सामना करते हैं। अनदेखे ओशन जायंट्स के रास्ते में मौजूद ये हैं पोर्चुगीज आइलैंड्स ऑफ द अजोर्स। ये लैंड्स यूरोपियन कॉन्टिनेंट से बहुत दूर हैं, जो अटलांटिक के बदलते वेदर सिस्टम में रुकावट डालते हैं। किसी भी वक्त फॉग इन मिस्टीरियस लैंड्स को ढक देता है और बारिश अक्सर होती रहती है। 8 मिलियन ईयर्स से ज्यादा वक्त से ये लैंड्स यूरोप की ओशंस के नीचे से बाहर आ रहे हैं और वो अब भी बढ़ रहे हैं। लास्ट मेजर इरप्शन 1957 में हुआ था, जिसने फायाल आइलैंड को 1 किलोमीटर और बढ़ा दिया। बड़े बड़े लावा फील्ड्स लगातार लहरों की मार से समुद्र के किनारे को ब्लैक रॉक से ढक रहे हैं। लेकिन इन रॉक्स के ओरिजिन्स पास के माउंट पीकों पर साफ नजर आते हैं। माउंट पीको 2000 मीटर्स की हाइट वाला अजोर्स का सबसे ऊंचा माउंटेन है। अगर उसे समुद्र के बेस से उसकी चोटी तक नापा जाए तो ये वोल्केनो वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन्स में से एक होने का दावा कर सकता है। इस आइलैंड का वेट क्लाइमेट और रिच वोल्केनिक सॉइल्स का मतलब है कि लैंड से बहकर न्यूट्रिएंट्स आसपास के पानी में चले जाते हैं, और जैसे ही गर्मियां आती हैं बेहिसाब प्लैंकटन ग्रो करने लगते हैं, जो फ्रेश वाटर और ओशंस में पाए जाने वाले बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स होते हैं। वो अक्सर बड़े एनिमल्स के अंडे या लार्वे से बने होते हैं।
ये छोटे एनिमल्स सबको बहुत पसंद होते हैं। जो वर्ल्ड के सबसे बड़े एनिमल्स का भी पेट भरते हैं, यानी ब्लू व्हेल का। 30 मीटर से लंबे ये मैमल्स एक जंबो जेट जितने बड़े होते हैं। सिर्फ उनकी टंग्स का वजन ही एलिफेंट जितना होता है। ये विशाल क्रीचर्स अपने एनुअल स्प्रिंग माइग्रेशन के वक्त अजोर्स से गुजरते हैं, लेकिन यहां के कई एनिमल्स को आइलैंड्स का पानी पूरे साल भरपूर खाना देता है।